हे गाइस, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस स्पेशल मौके पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्पेशल सी रेसिपी, जिसे मावा बाटी के नाम से जाना जाता है, या फिर तो ये है हमारे बिल्कुल जाने माने पहचाने स्टफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में आने वाले प्रॉब्लम जैसे कि गुलाब जामुन चपटे हो जाना, उनकी स्किन का उतर जाना, गुलाब जामुन के अंदर चाशनी ना जा पाना, गुलाब जामुन बिखर जाना, ऐसी कई सारी मिस्टेक्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में भी बता दूंगी ताकि बार बार आपको वो वीडियो देखना न पड़े, एक ही वीडियो में सॉल्यूशन के साथ परफेक्ट रेसिपी भी मिल जाए। चलिए बनाते हैं। शुरू करते हैं मावे के साथ। मावा या खोया कुछ भी कह लीजिए। कप में अगर देखेंगे तो ये एक कप है, बिल्कुल दबा दबा कर भरा है मैंने इस कप को। और अगर मैं वजन में बता दूँ तो ये 250 ग्राम जितना खोया है। अगर आप घर पे खोया बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी ये रेसिपी देखनी होगी। पर मेरे कुछ व्यूवर्स ने ही कमेंट की थी और वो कह रहे थे कि मार्केट से खरीदे हुए खोए से मैं अब उनको बना के बताऊं, तो इसलिए अब मार्केट से ही लिया है। खोया मार्केट में दो तरीके से मिलता है, एक गाय के दूध से बनाया हुआ जिसे हम हरियाली मावा या फिर ढाप के नाम से भी जानते हैं, और एक मिलता है भैंस के दूध से बनाया हुआ जो रंग में आपको इस तरीके से सफ़ेद नज़र आएगा। गाय के दूध से जो हम खोया लेते हैं वो हल्का सा पीला नज़र आता है, लेकिन गाय के दूध से बने हुए खोया के गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं, इससे भी अच्छे बनेंगे। वैसे मुझे गाय के दूध से बनाया हुआ खोया नहीं मिला, इसलिए मैंने कि भैंस के दूध का ही ले लिया। इस मावा को मसल के हमें सॉफ्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ पहली मिस्टेक और उसके साथ उसका सोल्यूशन, जैसे गुलाब जामुन आखिर चपटे बनते क्यों हैं। पहले ये समझ लीजिए कि कढ़ाई में मैंने जो तेल डाला है उसकी लेवल कितनी है। मैंने इतना तेल डाला है कि गुलाब जामुन जब मैं तलूँ तो वो आराम से तेल में डूबे। अगर आप ऐसा नहीं करते और बहुत कम तेल में इसकी फ्राइंग करते हैं तो ये गुलाब जामुन कढ़ाई को जहाँ जहाँ से टकराएगा वो साइड इसकी चपटी होते जाएगी। ये पूरा फ्राई हो जाएगा नो डाउट, लेकिन चपटा होकर ये फ्राई होगा, तो ऐसा ना करें। अब मैं इसमें मिला रही हूँ मैदा। मैदा इसको एक बाइंडिंग देगा जिससे गुलाब जामुन तलते वक्त छूटेंगे नहीं, लेकिन यही मैदा अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो गुलाब जामुन जब हम तलते हैं ना, ये देखिए कैसे उबल रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको और थोड़ी देर के लिए तेल में तलती तो ये डेफिनेटली फट जाता, क्योंकि ये फटने की स्टेज तक आ ही चुका था। तो ऐसा ना हो इसलिए हर चीज़ का प्रोपोर्शन बिल्कुल सही रखें। जब कप से हमने मावा को मेज़र किया था, बिल्कुल दबा दबा के एक कप जितना मावा था, और मैदा जो हमने उसी कप में मेजर किया है तो ये 1/4 कप जितना ही मैदा है, और अगर चम्मच में बता दूँ तो इस तरीके से 4 चम्मच जितना मैदा है। लेकिन शुरू में मैं सिर्फ 3 चम्मच ही मैदा डालकर देखने वाली हूँ, एक गोली बना के देखूंगी, अगर सब सही रहा तो बस 3 चम्मच मैदा पर ही मैं रुक जाऊंगी और जो बचा एक है वो मैं ऐड नहीं करूंगी। तो अब ये 3 चम्मच मैदा डालकर मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। मैं बस मावे के गुलाब जामुन बनाते टाइम मावा और मैदा ये दो चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप कहेंगे कि हमने इसमें सोडा नहीं डाला है तो क्या ये गुलाब जामुन फूलेंगे, क्या इनके अंदर चाशनी जाएगी भी या नहीं? आप बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम परफेक्ट बनते हैं। इनफैक्ट बेकिंग सोडा ज़रा सा भी अगर ज़्यादा हो जाए ना तो सारा काम बिगड़ सकता है। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आप भैंस के दूध से बनाए हुए खोए से गुलाब जामुन बना रहे हो तो आप बिल्कुल भी उसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये जो एक हिस्सा है इसमें हमें फिलिंग तैयार करनी है, स्टफिंग तैयार करनी है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है देखें। एक चम्मच हम चिरौंजी लेंगे, एक चम्मच पिस्ता के टुकड़े, एक चम्मच काजू के टुकड़े, एक चम्मच बादाम के टुकड़े, दो चुटकी इलायची और एक चुटकी केसर। अब ये सारी चीज़ें 1 by 1 जो डो हमने थोड़ा सा अलग निकाला है ना उसमें हम मिक्स करेंगे। सिर्फ केसर से इसको इतना प्यारा येलो कलर नहीं आएगा, इसलिए हम एक चुटकी जितना येलो कलर इसमें मिलाकर और बिल्कुल थोड़ा सा कुछ बूंदे पानी की डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, तभी ये अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो ये देखिए स्टफिंग वाला मिक्सचर तैयार है। ये जो सफ़ेद वाला मिक्सचर है और ये जो पीला मिक्सचर है इसके हम इक्वल बॉल्स बना लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने से पहले हम शुगर सिरप बना के हमारे पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब हम गुलाब जामुन तल कर निकालेंगे तो शुगर सिरप हल्का गर्म तो रहे ताकि गुलाब जामुन हम उसमें डाल पाए। तो कढ़ाई में मैंने डाल दी है 2 कप जितनी चीनी और सेम कप से नाप कर 2 कप जितना हम पानी डाल देंगे, और इसी के अंदर मैं इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ, इलायची के छिलके भी हैं वो भी डाल दिए, और 1-2 चुटकी इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया। बस इसे उबाल लेते हैं। ये देखिए शुगर सिरप अब यहाँ पर उबल रहा है अच्छे से, जिस पॉइंट पर ये उबलेगा वहाँ से लेकर आगे के 5 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही
हाई फ्लेम के ऊपर उबाल लेना है। और अगर आप इसे चेक करना ही चाहो तो दो उंगलियों के बीच में अगर आप ये सिरप लेते हो तो आपको ये ऑयल जैसा लगना चाहिए, जैसे कोई ऑयल ही हो। एक तार की चाशनी या बहुत ज़्यादा गाढ़ा सिरप अगर आप कर लेते हैं तो ये गुलाब जामुन के भीतर तक नहीं जाएगा और फिर गुलाब जामुन एकदम रसीले नहीं बनेंगे, थोड़े सेंटर पर हार्ड रह जाएंगे। तो इसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें। ये सिरप तैयार है, मैं गैस को बंद करती हूँ और इसे ढककर रखूँगी ताकि ये थोड़ा गर्म ही रहे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें गुलाब जामुन को गोल शेप देना है, लेकिन उससे पहले जब भी हमें गुलाब जामुन के अंदर कलर की स्टफिंग करनी होती है, कई बार हम उसको ऐसे स्टफ कर देते हैं कि सारा कलर ही बाहर आ जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे देखिए, पहले आप ये जो सफ़ेद डो हैं इसकी हम एक बॉल बना लेंगे और उसको हल्का सा चपटा करेंगे, जैसे पेड़े जैसा, ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसके ऊपर हम ये पीले रंग की बॉल रख देंगे। इन दोनों ही बॉल को पहले आपस में चिपका लेना है इस तरीके से, और फिर हम इसको सब कोनों में से उठाकर सील करेंगे। तब ये बहुत प्रॉपरली सील होता है। फिर आप इसे राउंड कीजिए, ये देखिए कहीं से भी ये खुलेगा नहीं और ना ही कलर की बॉल बाहर आएगी। तो बिल्कुल चिकना बॉल बनाकर तैयार कर लेना है। सारे गुलाब जामुन के बॉल्स बना के फिर उन्हें तलना, ऐसा ना करें। 4-5-6 बना लीजिए, उन्हें तलिए, फिर बाकी के बाद में बनाइए। तो ये देखिए मैंने कुछ बना लिए। अब तलने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। अक्सर हमें शिकायत होती है कि गुलाब जामुन तल के तो बड़े अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन चाशनी में जब आप उन्हें डालते हैं तो उनकी स्किन उतर जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनकी जो ऊपर की स्किन है वो पूरी पकने तक आपने उनकी सिखाई नहीं की। कई बार गुलाब जामुन के ऊपर बहुत अच्छा कलर आता है, हो सकता है कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो और इसीलिए वो कलर जल्दी आ जाता है, और इस वजह से हमें लगता है कि अब गुलाब जामुन तल के हो चुका है, हम उसे निकाल लेते हैं, चाशनी में डाल देते हैं और चाशनी में उनकी स्किन उतर जाती है, क्योंकि स्किन पूरी तरह से ऊपर से पकी नहीं होती। तो आपको ये करना है, बस इन बॉल्स को कुछ हम इस तरीके से पकाएंगे कि इनके ऊपर की स्किन अच्छी तरीके से फर्म ना हो जाए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो मावे के गुलाब जामुन होते हैं, इन्हें थोड़े से डार्क कलर पर ही जब आप फ्राई करोगे तभी ये बहुत अच्छे से रह पाते हैं। अगर आपने इतने हल्के भूरे रंग पर इन्हें फ्राई किया, डेफिनेटली ये कच्चे रहते गाइस, और इनकी स्किन हो सकता है कि चाशनी में डालने के बाद निकल भी जाए, और कच्चे गुलाब जामुन ही चाशनी में पिचकते हैं, मतलब वो जो होता ना गड्ढा सा पड़ जाता है ऐसे, तो ये गड्ढा इसी वजह से पड़ता है कि गुलाब जामुन थोड़ा सा कच्चा है। ओके, तो अब यहाँ देखिए गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें तेल में से निकाल कर तुरंत ही सीधा सिरप में डाल देंगे। सिरप पहले हमने बना के रखा था, तो अब ये ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है लेकिन हल्का गर्म ज़रूर है। इसमें डालकर ढक दीजिए। सारे गुलाब जामुन मैंने बना लिए हैं। अब इन गुलाब जामुन को हमें रेस्ट पर रखना है ताकि अपने अंदर चाशनी को बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लें। लगभग 3-4 घंटे तो आराम से लगेंगे। अब ये 3-4 घंटे बाद ये देखिए सिरप भी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और गुलाब जामुन अभी सर्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बढ़िया रसीले गुलाब जामुन तैयार है। इसे मावा बाटे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल गुलाब जामुन बनाते हैं हम ड्राई फ्रूट्स की और मावे के अंदर स्टफिंग नहीं करते, बस यही एक डिफरेंस है इसमें, लेकिन ये खाने में बेहद लजीज लगते हैं। ज़रूर एक बार ट्राई करें। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।